अच्छा 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 साहब, हमने आपका नाम पढ़ा था। उसको मालूम नहीं कैसा दिखता है आदमी, लेकिन चूंकि दिखता था ही नहीं पहले कोई, तो नाम पढ़ा था। लेकिन आज अगर हम उसी ट्रेन के डिब्बे से जा रहे हैं, पड़ोस वाला ये नहीं पूछते कि आप कौन है, आपको कल जीटीवी पे देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से, टेलीविजन आने से एक मौलिक परिवर्तन संवाद की कला में यह हुआ है कि कल तक जो जनता आपके बारे में सुना था या पढ़ा था कहती थी, वो धीरे धीरे अब आपके बारे में देखा है ये कहने लगी। जब तक वो आपके बारे में सुना था या पढ़ा था ये कहती थी, तब आप कैसे दिखते थे ये महत्वपूर्ण नहीं था। वो ये कहना शुरू किया उसने कि आपको देखा था तो आप कैसे दिखते हैं, ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगा। अब जब मैं कहता हूं कि कैसे दिखते थे, मतलब भगवान ने जो रूप दिया है वो तो कोई बदल नहीं पाता, वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी रूप दिया है, टेलीविजन माध्यम को अगर उपयोग में लाना है तो वो ठीक ठाक हो। और सब हम जानते हैं कि भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, आप उत्तर मत दीजिए, लेकिन आप मन में ही सोचिए कि क्या आप सुंदर नहीं है, और आपके हर एक के प्रश्न का उत्तर आएगा ऐसे कैसे नहीं, मैं भी थोड़ा ठीक है, मतलब नाक ऐसी होगी लेकिन टोटल पर्सनैलिटी तो मेरी, और मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, इसमें कोई हो ही नहीं सकता। हर आदमी सोचता है कि मैं मतलब सुंदर, कोई बहुत कोई फिल्म में नहीं जाना है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि नहीं साहब हमारी तो पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई ये नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कंघा नहीं करते, जेब में कंघे नहीं रखते, आने सामने देखते नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। और इसलिए टेलीविजन माध्यम, क्योंकि ये दिखने वाला माध्यम है, और जब दिखने वाला माध्यम होता है तो आप कैसे दिखते हो ठीक ठाक। मैंने जैसे कहा कि ये कोई ब्यूटी पार्लर में जाने का सुझाव इसमें से नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे दिखते हो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस माध्यम में सभाओं से ज्यादा भी आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, और अभी तो कभी कभी जैसे ये है ना, मैं इनको डंडे वाले जर्नलिज्म कहता हूं, ये बड़े खतरनाक है। कभी कभी पत्रकार वार्ता में आप रूठ कर जा सकते हो, मुझे नहीं जवाब देना है आपका, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन नीचे छप के आएगा कि प्रमोद जी गुस्से में पत्रकार वार्ता छोड़कर चले गए। अब इतना कोई पढ़ता नहीं, उस पर असर नहीं होगा, लेकिन अगर ये डंडे वाले से झगड़ा करोगे ना तो झगड़ा भी दिखा देंगे। कभी भी आके मेरे से सवाल पूछते हो, तुम लोगों को राम जन्मभूमि के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। अब हमको लगेगा कि हमने मन की भड़ास निकाली। दूसरे दिन टीवी पे यही राम जन्मभूमि के बारे में पूछा तो प्रमोद जी झल्लाए, हमारे रिपोर्टर को फेंक दिया, माइक तोड़ दिया, देखो उनका चित्र। अब ये कभी जब केवल प्रिंट जर्नलिज्म था तो ये रिस्क हमारे पास नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म इसमें, अब जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम मान लिया हम ऐसा करने लगे भाषण करते करते तो कैमरा वाला हमारा चेहरा बेरा छोड़ता इसी पर, या मांगोटी कुछ करने लगे, या किसी के जैसे टेबल पे ऐसा करने लगे, मान लीजिए हम यहां, अच्छा इसलिए इस माध्यम के बाद तो यहां बैठने वालों को भी दिखाना पड़ता है कि वो भाषण सुन रहे हैं, भले वो सुनते ना हो, नहीं तो बहुत बार अगर कोई हो ना कि फोकस करें, और फिर कोई बोलेगा मंच वाले नहीं सुन रहे तो हम क्यों सुनेंगे भैया। अब ये जो आदत है इन सारे का टेलीविजन से फर्क पड़ गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहां चेहरे, हाव भाव, आवाज, कपड़े, अचानक हम पर कोई सवाल आ गया तो उसको कैसे जवाब देना, इसको भी धीरे धीरे हमको आत्मसात करना पड़ेगा। इसमें और दो छोटी बातें, जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत या सामूहिक संवाद में जैसे हमको सामने वालों की आंखों में देखना है, वैसे इस संवाद में मुझे कैमरा में देखना है। क्योंकि जब मैं भाषण करता हूं, मेरे 60-70 दोस्तों के सामने करूं या 60,000 में करूं, तब मैं, आप सब मिलकर मुझे सुनते हैं,
सुनते तो अकेले हैं लेकिन फिर भी मिलकर सुनते हैं, समूह में सुनते हैं। लेकिन मैं जब टेलीविजन पर बात करता हूं तो हर आदमी अपने अपने कमरे में देश भर में मुझे अकेले सुन रहा है, इसलिए वो मेरा श्रोता 10 लाख भी है और एक भी है, और इसलिए उसका कोई समूह का मानसशास्त्र नहीं है, उसकी कोई मॉब साइकोलॉजी नहीं है कि जो समूह में आती है उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अच्छा, वो मेरे को सुनने आया है ये भी जरूरी नहीं है, कम से कम सभाओं में बैठकों में वो मुझे सुनने आया है, यहां तो वो मुझे सुनने भी नहीं आया, वो अपने घर में बैठा है, लगा लिया है, अचानक आ गए। अब अचानक आ गए तो जब तक आप ये ख्याति अर्जित ना करो कि ये कोई बात बोलता है जो सुननी चाहिए, ये तो कौन देखेगा, सास बहू छोड़ के आपको कोई नहीं देखेगा। और इसलिए इस माध्यम को कभी तो समय हो तो इसको अलग से इसका अभ्यास करने का ये माध्यम है, इसलिए आंख इसकी कैमरा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसमें समय इतना कम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 30 सेकंड से 50-60 सेकंड के बीच में अपनी सारी बात आपको इस माध्यम पे कहनी होती है। हाँ, अगर आपका कोई अलग साक्षात्कार लेता हो, वो तो बड़े लोगों का ही होता है, तब तो आपको 15-20-25 मिनट मिल जाए, घंटों तो वहां किसी को नहीं मिलता। और वो जो साक्षात्कार होता है उसमें लेने वाला ही ज्यादा बोलता है, और जो जिसका लिया जाता है उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलने का अवसर मिलता है, ऐसे लेने वाले ज्यादा हो गए आजकल, इसलिए वहां भी कोई बहुत समय नहीं मिलता है। लेकिन इस टेलीविजन माध्यम को भी, अब ये मत समझिए कोई दिल्ली मुंबई का माध्यम है या आपके गांव का माध्यम है, हिंदुस्तान में आज मेरा अनुमान है कि 40-50 हजार 25 हजार के गांव में भी कोई ना कोई लोकल टीवी घूमता रहता है, और ये धीरे धीरे 10 हजार के गांव तक आने की संभावना मैं स्पष्ट 2-4 साल में ही देखता हूं। और इसलिए इसके सामने बोलने का भी अभ्यास, और इसमें सबसे बड़ा अभ्यास ये है कि हमको 30 सेकंड से 60 सेकंड में अपनी बात ऐसी कहनी चाहिए जो दिन में बार बार दिखाई दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात हमने पहुंचाए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो मैंने प्रारंभ में कहा था, व्यक्तिगत संवाद से टेलीविजन के संवाद तक अनेक संवाद माध्यमों के बारे में मेरे मन में जो विचार आए ये मैंने आपके सामने रखे। जरूरी नहीं है कि ये सारे विचार उपयोगी हो, ये कोई सिद्धांत का मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि जिसमें मतभेद हो नहीं सकता, लेकिन संवाद एक ऐसी कला है जिसको आत्मसात किए बिना कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सफल हो नहीं सकता, कम ज्यादा मात्रा में हो, हमको सबको इस कला को आत्मसात करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे। अंत में इतना ही मैं कहता हूं कि लगभग घंटे भर मैं बोला हूं, अनेक नुस्खे मैंने आपको सुझाए हैं, आपको अच्छे बुरे लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में जिन मैंने चेतावनी दी थी वो फिर अंत में दूं कि इस नुस्खों को मेरे भाषण पे आजमा के इसने अपने नुस्खों के अनुसार भाषण किया या नहीं किया है, इस पे अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करिए। गुरु से चेला बड़ा हो जाए तो इसके जैसी अच्छी कोई बात नहीं है, तो मेरे नुस्खे आपके जीवन में कैसे आएंगे इस पर ज्यादा ध्यान दे, इतनी ही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।